आप लोगों ने मुझे डिजाइन बनाते हुए तो कई बार देखा है और हर बार आप लोगों का सेम क्वेश्चन होता है दैट इज़ कि मैं इतनी जल्दी डिजाइन कैसे बना लेता हूँ एक्चुअली ना मैं एक सीक्रेट टूल यूज करता हूँ जिसको मैंने आप लोगों को प्रॉपरली यूज करते हुए कभी नहीं दिखाया है इस टूल की हेल्प से मैं लो क्वालिटी इमेजेस को अपस्केल कर लेता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को कलर कर लेता हूँ बैकग्राउंड को सेकेंड्स के अंदर रिमूव कर लेता हूँ और ऐसे ना बहुत सारे यूनिक टूल्स है जिनके थ्रू मैं मेरी प्रोडक्टिविटी को टेनेक्स करता हूँ इस ए आई टूल का नेम है हिट पा फोटोपिया अब इस टूल को यूज करना कैसे है वो मैं आपको

लेकिन ये बहुत लो क्वालिटी की इमेज है तो इसे फिक्स करने के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा ए आई एनहेंसर को एंड यहाँ उस इमेज को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा देन राइट साइड में से हमारे फोटो के अकॉर्डिंग हम ए आई मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद आउटपुट रेजोल्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं देन सिंपली क्लिक ऑन एक्सपोर्ट एंड उसके बाद ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा एंड हमारी इमेज अप स्केल हो चुकी है एज यू कैन सी हेयर इज द बिफोर एंड हेयर इज आफ्टर कितना ज़्यादा डिफरेंस है राइट फोटो इनहेंसर में भी आपको अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं जैसे सिंगल पोर्ट्रेट मोड चिल्ड्रंस ग्रुप पोर्ट्रेट एक्सेट्रा तो आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग कोई भी मोड चूज कर सकते हो नाउ लेट सपोज कि मेरे पास एक फ़ोटो है जिसको मुझे मेरे डिज़ाइंस में यूज़ करना है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो फोटो ब्लैक एंड वाइट में है एंड मुझे वो फ़ोटो कलर में चाहिए तो डोंट वरी हिट पॉ फोटो पिया के थ्रू हम वो भी कर सकते हैं सिंपली हमें एन एस एफ डब्ल्यू मॉडल पर क्लिक करना है एंड अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है एंड रेजोल्यूशन को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है देन ये कुछ सेकेंड्स का टाइम लेगा एंड देर यू गो सी दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर सी इसने इतनी जल्दी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलर कर दिया है अब इन सब के बाद वी हैव एन इंटरेस्टिंग टूल इन दिस सॉफ्टवेयर जो कि आपके काम को टेन टाइम फास्टर बना देगा एंड एंड दैट इज बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिमूवर रिमूवर इसमें प्लस पॉइंट है कि आपको में भी अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोज के लिए तो आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन आपको सिंपली अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है एंड कुछ ही सेकंड के अंदर ही आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा एकदम प्रोफेशनल तरीके से सी दिस इज़ द बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर इसने कितने अच्छे से एंड कितने प्रिसाइजली इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है अब इसके साथ आपको यहाँ पर ए आई इमेज जनरेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड गैस वॉड उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं अभी के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा डिजनी एंड यहाँ मैं ये प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा एंड जनरेट पर क्लिक कर दूंगा देन ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा एंड ये हमें चार इमेजेस जनरेट करके दे देगा जिसमें से हम कोई भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं एंड उस इमेज को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं ओके okay, तो इसके बाद आपको यहाँ पासपोर्ट मेकर का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपनी फोटोज को पासपोर्ट साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हो अब इसके बाद यहाँ एक और फीचर आपको मिलता है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज रिमूव ऑब्जेक्ट जिसकी हेल्प से आप अपनी फोटोज में से कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो एंड इवन वाटर मार्क्स को भी रिमूव कर सकते हो उसके लिए आपको सिंपली अपनी वाटर मार्क वाली इमेज को सेलेक्ट करना है देन ब्रश टूल से वाटर मार्क पर पेंट कर देना है एंड क्लिक ऑन प्रिव्यू एंड सी वाटर मार्क इजली रिमूव हो चुका है आपको इस टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so जल्दी से जाओ इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो एंड यूज करो